क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में पूजा ने कुल अंकों का 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, मतलब वो टोटल मार्क्स का 20% लाई और 30 नंबर से फेल हो गई, जबकि कविता सेम टोटल अंकों का कुल अंकों का 32% अंक प्राप्त की और उसको जो पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा मिला है। तो अंकों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितने नंबर से आप लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं, वो निकालना है हमको। ठीक है, आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 5, पूजा को न्यूनतम जो पासिंग नंबर है, न्यूनतम, ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है ना, न्यूनतम पासिंग, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम अंक से 30 अंक कम मिले हैं, अंक कम मिले तथा कविता को न्यूनतम अंक से 42 अंक ज्यादा मिले। ठीक है, दोनों के प्राप्तांक का अंतर, दोनों के प्राप्तांक का अंतर कितना होगा बेटा? देखो बेटा, उसका 30 अंक है, उसका 42 अंक का टोटल कितना हो गया? 72 अंक। 72 अंक बेटा, जो भी जैसे माना, जो पूजा को जो नंबर मिला है, पूजा को जो भी नंबर मिला हमको पता नहीं, और कविता को जो भी नंबर मिला है, इन दोनों के बीच में 72 अंक का डिफरेंस है, क्योंकि ये 40 नंबर ज्यादा लाई यहाँ से, मान चले पासिंग मार्क्स है ना, और यहाँ पे ये 30 अंक कम लाई है, यहाँ से 30 नंबर कम है इसका, और इसका 42 नंबर ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 72 अंक का। अब प्रतिशत में बात करें तो इसका 20% मिला है और इसको 32% मिला है। ठीक है, तो दोनों का परसेंट का डिफरेंस कितना है? 12%। परसेंटेज जो डिफरेंट है 12, और दोनों के जो नंबर मिला, मार्क्स मिला, वो कितना है? 72। ठीक है, चलिए, ठीक है, माना अधिकतम अंक, ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ पेपर था, अधिकतम अंक कितना है? 100। ठीक है, पूजा को प्राप्त अंक या प्राप्तांक बोलते हैं जिसको लोग, पूजा को प्राप्तांक, प्राप्त 100 का 20%, ठीक है, पूजा को प्राप्तांक 100 का 20% कितना? 20 नंबर। वैसे ही कविता का प्राप्तांक 100 का 32%, 32, ठीक है, दोनों के प्राप्तांक का अंतर कितना है? 32 - 20 ये हो गया 12। देखो, अब ध्यान देना बेटा, मैंने जब 100 लेके बनाया तो कितना आ रहा? 12, पर रियल में कितना है? 72 है। ठीक है, जब अंतर 12 है, जब अंतर 12 तो कुल अधिकतम अंक कितना है? 100। जब अंतर 12 है तो अधिकतम अंक कितना है? 100। अब वही जब अंतर कितना है बेटा? 72 है, तो कुल अधिकतम अंक कितना होगा? 100 × 72, 72 डिवाइड बाई 12 कर दो, क्या आ जाएगा? 600 अंक आ गया आपका पासिंग मार्क्स। पहले निकाल लेते उत्तीर्ण अंक, आपको निकालना उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक कितना होगा बेटा इसका? जैसे पूजा को जो मिला था, पूजा को जो अंक मिला था कितना था बेटा? अधिकतम अंक का दो तरीके से निकाल सकते हैं, पूजा के तरीके से भी निकाल सकते हैं, कविता के तरीके से। अधिकतम अंक का 20% मिला था पूजा को और वो 30 नंबर से फेल हो गए थे, 30 नंबर को जोड़ दो। अधिकतम अंक कितना बेटा? 600 का 20% प्लस 30, 120 नंबर प्लस 30 हो गया 150। अगर मैं कविता का भी निकालू, जैसे कविता का कितना मिला था? 32%, तो 600 का 32% निकालू मैं, और उसको 42 नंबर ज्यादा मिला था, 42 घटा दो, 32% कितना आएगा? 192 - 42 करूँ तब भी कितना आ जाएगा? 150 अंक। दिखा रहा 150?
चाहे मैं कविता का लेके बनाऊं चाहे पूजा का लेके बनाऊं, दोनों से मेरा 150 आ रहा है। ठीक है, ये उत्तीर्ण अंक आ गया। अब आपको बताना उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। तो बेटा उत्तीर्ण अंक कितना है, पास होने वाला अंक 150 है, टोटल नंबर कितना है 600 × 100 कर दो तो आ जाएगा 25%। मतलब लोग 25% लाते तो पास हो जाते हैं। पूजा कितना नंबर लाई, 20% लाई, इसलिए वो 30 नंबर से फेल हो गई। और कविता जो है 32% लाई, इसलिए वो 42 नंबर ज्यादा लाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।